अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमैरा शिराज। आज की हमारी रेसिपी में मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ पोटैटो बॉल्स, पोटैटो एग बॉल्स, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और बहुत ही आसानी से झटपट बन जाती हैं। अफ्तारी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, पोटैटो एग बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं पोटैटोज़ और इनको अच्छे तरीके से बॉयल और मैश कर लिया है। ये मैंने आधा किलो लिए हैं, तकरीबन 500 ग्राम बनते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन चिलीज़ मैंने बारीक चॉप कर ली हैं 50 ग्राम। बेसन मैंने लिया है, इसको अच्छे से छान लें, और ये भी तकरीबन 100 ग्राम लिया है। ड्राई धनिया पुदीना, जो कि मेरे पास पड़ा होता है, मैं हर एक रेसिपी में आप लोगों को बताती हूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, अच्छे से चल जाता है, ये मैंने लिया है तकरीबन 50 ग्राम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये बॉयल पोटैटोज जो कि मैश करके मैंने रखे हुए हैं इसमें डाल देंगे। बेसन भी डाल दिया है मैंने, ड्राई धनिया पुदीना भी डाल दिया है, और इसके साथ साथ ग्रीन चिलीज जो कि बारीक चॉप की हैं ये भी डाल दिए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ ड्राई पेपर्स भी देख लेते हैं। एक टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, इसके साथ साथ नमक आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल के जितना इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। साथ साथ ज़ीरा मैंने एक टेबल स्पून लिया है। ज़ीरे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए खानों में इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके साथ साथ मेरे पास कबाब का मसाला पड़ा हुआ था, ये मैंने तकरीबन 1/3 टेबल स्पून लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर जो कि हर एक घर में अवेलेबल होता है आसानी से, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और आधा टेबल स्पून मैंने इसमें गर्म मसाला भी डाला है। गर्म मसाला कुटा हुआ मैंने इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है खानों में। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लें। बॉयल पोटैटोज जो कि मैंने अच्छे तरीके से मैश किए हुए हैं, आप हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं, और अगर मैशर अवेलेबल है तो मैशर की मदद से भी आप इनको अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। वैसे हाथों से ये आसानी से मैश हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं, इसीलिए मैं इनको हाथ की मदद से ही मैश करती हूँ। और उसके बाद ये मैंने बीच में सारे इंग्रेडिएंट्स इसके विद ड्राई पेपर्स मिक्स किए हैं। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लें। साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और मेरी रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ। ट्राई भी ज़रूर किया करें और मुझे फीडबैक में बताया करें कि आप लोगों को किस तरीके से समझ आई है या नहीं, और अगर कोई न्यू रेसिपी सीखनी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सिखाऊंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये एक सॉफ्ट सी डो बन चुकी है। मैंने बॉयल होने के लिए एग रख लिए थे, 5 एग्स मैंने लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से बॉयल करना है और इनकी एग योग भी अच्छे तरीके से बॉयल होनी चाहिए। इनको कटिंग का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से 4 सेक्शंस में इनको कट करना है एग्स को, बहुत ही आसान है। ये देखिए जी, एक एग के 4 पीस कर लिए हैं मैंने, आसानी से ये कटिंग कर लें। इसी तरीके से सारे एग्स अच्छे तरीके से कट कर लें और एग्स को अच्छे तरीके से बॉयल करना है ताकि इनकी जर्दी भी सख्त हो और अच्छे तरीके से बॉयल हुई भी हो। सारे एग्स मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं, देखिए कितनी खूबसूरत कटिंग लग रही है, और ये खाने में भी इतने ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार लगते हैं। अभी मैं हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करके ऑयल से ग्रीस कर लें। अब मैं आप लोगों को इनकी फिलिंग का तरीका बताती हूँ कि पोटैटो एग बॉल्स किस तरीके से फिल करनी है और ये बॉल्स किस तरीके से बनानी है। ये देखिए जी, पोटैटोज़ के जो मैंने मसाला रेडी करके रखा हुआ है, इस तरीके से रफ सा एक पेड़ा बना लें और उसके अंदर ये जो बॉयल किए हुए पोटैटो एग्स हैं इनको इसके अंदर रख के अच्छे तरीके से पोटैटोज़ को ऊपर से इस तरीके से कोट कर लें। अंडे के ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग कर लें और एक बॉल की शक्ल में इस तरीके से बना लें। बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे तरीके से मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये मैंने
पोटैटो एग बॉल अच्छे तरीके से एक बना लिए। एक और मैं बनाना सिखा देती हूँ। ये देखिए पोटैटोज़ का मसाला जो है, इसको हाथ पे इस तरीके से लेके और बॉयल एग जो के मैंने आपको अच्छे तरीके से कट करना सिखाए हैं, उनको अंदर रख के इस तरीके से फिल कर लें और बॉल बना लें ऊपर से पोटैटोज़ की कोटिंग करके। और ये हमारे पोटैटो एग बॉल सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जस्ट लाइक अ रियल पोटैटोज लग रहे हैं। अभी मैंने एक अंडा लिया है, कोटिंग के लिए ये अंडा इस्तेमाल करेंगे। इसमें नमक हसबी ज़रूरत आप डाल सकते हैं, और मैंने रेड चिली पाउडर भी 1/3 टेबल स्पून डाला है। आप चाहें तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोटिंग का अच्छा और खस्ता फ्लेवर आता है। और अगर नहीं मिक्स करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, जस्ट आप अंडे में रेड चिली पाउडर और नमक डालें और अच्छे तरीके से इसको फेंट लें ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, एक एक स्टेप आप लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से इसीलिए बताती हूँ कि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको रेसिपी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से फेंट लें और सारे इंग्रेडिएंट्स इस अंडे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास मैशर मौजूद हो तो मैशर से भी आप अच्छे तरीके से ये कोटिंग का मटेरियल रेडी कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि चम्मच की मदद से भी हम इसको फेंट के ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा हमने फेंटना नहीं है क्योंकि हमने कोटिंग करनी है। अब ये जो हमने पोटैटो एग बॉल्स पहले से रेडी करके रखे हुए हैं, इनको इस एग से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ये अंडे से भी अच्छे तरीके से कोट हो जाते हैं और नहीं टूटते कुकिंग के दौरान। ये देखिए मैं किस तरीके से इनको कोट कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये 2 चम्मच की मदद से कोट कर लिया है और आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे। इसी तरीके से ये सारे एग्स के जो बॉल्स हैं ये अच्छे तरीके से कोट कर लें और साइड पे रखते जाएं दूसरी साफ़ प्लेट में। साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए ये किस तरीके से मैं कोटिंग कर रही हूँ, बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है, और कोटिंग भी इसकी इतनी ही आसान है। और ये अच्छे तरीके से इसको कोट कर लें एग से। सारे पोटैटो एग बॉल्स जो मैंने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से कोट कर रही हूँ इस एग से। आप चाहें तो कोटिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ब्रेड क्रम से भी आप कोट्स कर सकते हैं और मैदे से भी कोट कर सकते हैं। वो कोटिंग भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। वैसे मैं हर एक रेसिपी में डिफरेंट कोटिंग का मटेरियल इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए जी, हमारे सारे एग बॉल्स रेडी हो चुके हैं और अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कप में मैंने कुकिंग ऑयल पहले से प्री हीट होने के लिए एक कढ़ाई में रख दिया था, और इसमें ये जो पोटैटो एग बॉल्स मैंने बना के अच्छे तरीके से कोट किए हुए हैं, इनको एक एक करके डालेंगे। नॉर्मल फ्लेम पे इनको कुक होने के लिए रख देंगे ताकि ये अंदर से भी, वैसे कच्चे तो नहीं होते लेकिन अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाएं। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से इनको कुक होने दें और इसी तरीके से इनको साथ साथ पलटते भी रहें। और ये देखिए तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये तक एक साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको पलटते रहें साथ साथ। ये देखिए मैं पलट रही हूँ किस तरीके से, और इनका कितना खूबसूरत एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और इसी तरीके से सारे पोटैटो एग बॉल्स मैंने पलट लिए हैं एक तरीके से। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और अच्छे तरीके से ये एक तरफ से अगर गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको अब दूसरी तरफ से भी मैंने देखिए 2 मिनट तक छोड़ा है और ये दूसरी तरफ से भी कुक हो चुके हैं, अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और ऊपर से भी इनका कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इनको एक एक करके सर्व करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनका कलर है। सारे पोटैटो एग बॉल्स इसी तरीके से शैलो फ्राई करने हैं हमने। नॉर्मल फ्लेम रखने का इसलिए मैंने कहा है ताकि ये अंदर से भी थोड़े से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। बाकी सारे पोटैटो एग बॉल्स जो कि हमने रेडी करके रखे हुए हैं, उनको भी इसी तरीके से कुक कर लें
दोबारा कुकिंग का तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को हर एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत इनका गोल्डन ब्राउन कलर आया है, 3 से 4 मिनट लगा है और ये एक तरफ से भी कुक हो गए हैं और दूसरी तरफ से भी साथ साथ इनको हिलाते रहे हैं और एक प्लेट में अब इनको निकाल लेंगे। सारे पोटैटो एग बॉल्स रेडी हो चुके हैं, अब इनको सर्व करते हैं। एक प्लेट में ये सारे पोटैटो एग बॉल्स निकाल लें। इनको आप चाहें तो केचप या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अफ्तारी में ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स लगते हैं, किड्स को भी ये बहुत पसंद आते हैं क्योंकि झटपट बन जाते हैं और ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, इसीलिए बच्चे ये रेसिपीज़ बहुत ही शौक से इंजॉय करते हैं। सारे पोटैटो एग बॉल्स मेरे रेडी हो चुके हैं, इनको मैं एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। कलर देखिए इनका कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये अंदर से भी इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी हैं। सारे पोटैटो एग बॉल्स मैंने सर्व कर लिए हैं, अब मैं आपको इनको चेक भी करा देती हूँ कि ये अंदर से अच्छे तरीके से कुक हुए हैं या नहीं। और ऊपर से देखिए माशाल्लाह इनकी कितनी खूबसूरत कोटिंग लग रही है, गोल्डन ब्राउन कोटिंग है और इनका साइज़ भी देख लीजिए और कलर कितना खूबसूरत है। चलिए जी ट्राई करते हैं कि अंदर से ये कितने कुक हुए हैं। एक छुरी की मदद से इसको कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस तरह से कुक हुए हैं। हर एक रेसिपी से इसी तरह से मैं आप लोगों को डिटेल से समझाती रहती हूँ। ये देखिए अंदर से माशाल्लाह इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल होती रहे। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो किया और क्या सेम ये रेसिपी इसी तरीके से बनी है या नहीं। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। चलिए जी अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, कल दोबारा हाज़िर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।